औद्योगिक क्षेत्र से जावरा रोड को जोड़ने वाले सड़क मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग गेट को एक पानी का टैंकर ले जा रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर से गेट क्षतिग्रस्त हो गया। रेलवे ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद क्रॉसिंग गेट को दुरुस्त किया। यह घटना शाम 6 बजे की है। पानी का टैंकर लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर की टक्कर से रेलवे क्रॉसिंग गेट क्षतिग्रस्त होने से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ। गेट के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। गेट क्षतिग्रस्त होने के कारण रेलकर्मी ने ट्रेन गुजरने के समय गेट को हाथों से पकड़कर वाहनों को गुजरने से रोका। क्षतिग्रस्त गेट को रेलवे के SNT विभाग के दल ने पहुंचकर करीब 2 घंटे में दुरुस्त किया। गेट को टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर चालक के खिलाफ RPF द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अगर हम खाचरोद के रहने वाले हैं और ये टैंकर से कोई फाटक हो गया तो हम परेशानी, हमारे को दूर जाना है, कैसे जाए? लगभग कितने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, कब टूटी है फाटक? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में अभी तक क्या सोल्यूशन निकला है या कुछ आप लोगों द्वारा? कितने लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई मतलब कोई हाल ही नहीं हो रहा। समस्या क्या करें आप, किधर से निकले और कहाँ जाए? थे यहीं जावरा में। तो ये अभी जो फाटक टूटी है किसके द्वारा तोड़ी, क्या मामला क्या है? ये क्या है कि मैं गेट बंद कर रहा था तो ये बंद कर दिया था गेट, ये टैंकर वाला यहाँ क्या है कि ढलाई पड़ती है तो ब्रेक नहीं लगा इसने, तो बंद करते करते इसने ठोक ही दी गाड़ी। फिर क्या है, मुझे भी यहाँ कितनी पब्लिक जमा है और क्या जाम लगा हुआ है? पब्लिक अब जाम निकलने जैसा ट्रैफिक नहीं है, स्लाइडिंग बूम लगने की जगह भी नहीं है। अब क्या इसके लिए क्या उपचार है? क्या इसके लिए अभी आ रहे हैं इसको रिपेयरिंग के लिए, ट्रैफिक का भी इंतजाम। स्टेशन मास्टर को सर, स्टेशन मास्टर को क्या सूचना दी आपको, क्या सूचना दी? ये जो भी टूटा है वो सभी स्टेशन मास्टर को बताना पड़ता है पहले, सबसे पहले। अच्छा, इसके टैंकर वाले कोई यहाँ पे उपस्थित हैं या चले जी? वो भग गए थे, ठुकते ही भग गए। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। जावरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पुतला जलाया। स्थानीय चौपाटी चौराहे पर जावरा युवक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं कांग्रेस जन एकत्रित हुए। एकत्रित कार्यकर्ताओं ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला भी जलाया। कौन से वक्त हो कांग्रेस लोकसभा महासचिव? अच्छा, क्या आज पुतला दहन किया, क्या मामला क्या है? देखिए, पुतला दहन सिंधिया जी का इसलिए किया है क्योंकि पूरे बल और परिश्रम से कार्यकर्ताओं ने मिल के पार्टी को यहाँ पर स्थापित किया था, मध्यप्रदेश सरकार लाए थे, उसके बाद सिंधिया जी ने अपने निस्वार्थ के चलते पूरी पार्टी को स्थिर कर दिया है। लेकिन कमलनाथ जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ये सरकार पूरी तरीके से स्थिर रहेगी तो कोई दर्द नहीं है, लेकिन हम इनकी युवा कांग्रेस पूरी घोर निंदा करता है। ऐसे निस्वार्थी और गद्दारों को पार्टी से बाहर करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सलमा देवी, क्या आज पुतला, क्या पुतला दहन किया, क्या मामला? जैन यही कहा है कि जो अभी मैंने बताया था, जैसे कि उनको कांग्रेस बड़े वरिष्ठ नेता थे, वो हमारे आदरणीय थे, हमने उनको जन जन से ना हमने उनको अच्छा अच्छा पद दिलवाया और 10 साल से वो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका हमें यही कहना था कि हम कांग्रेस रहेंगे, हम मोदी के आगे नहीं झुकेंगे, गर्दन कटवा देंगे लेकिन हम मोदी के आगे नहीं झुकेंगे। तो आज क्या हुआ, आज वो क्यों झुक गए, ऐसा क्या उनमें लालच आया, क्या लालच दिया उन्होंने बीजेपी वालों ने, क्यों बीजेपी वाले के आगे आज झुक चुके? मेरा यही कहना है कि आदरणीय इंसान, लेकिन उन्होंने बीजेपी वालों ने उनको घबराया और उन्होंने अपने सत्ता में उनको ले लिया। मैं यही कहूंगी कि हमारा जो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद रहेगा, अच्छा रहेगा, कांग्रेस और मजबूत रहेगा, और मजबूत हो जाएगा, अच्छा सब सिक्का चलेगा, अब चिल्लरों की भी कोई जरूरत नहीं है। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन ने शुक्रवार को महिला दिवस के मौके पर महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में महिलाओं के कर्तव्य और अधिकारों पर चर्चा की गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। संगोष्ठी में रेलवे महिला कर्मचारी उपस्थित रही। नशे की हालत में पत्नी से विवाद कर रहे पति को पत्नी ने सबक सिखाया। पत्नी ने नशे की हालत में पति को घर में बंद कर बाहर से ताला लगाकर कहीं चली गई। पत्नी के चले जाने से घर में बंद पति ने आग लगा ली, जिसे पुलिस ने बचाया। मामला ओल्ड रेलवे कॉलोनी के मकान नंबर 465 आउट हाउस का है,
जहां जयप्रकाश निकोलस निवास करते हैं। आग लगने से घर का सामान भी जल गया। पुलिस पति जयप्रकाश को लेकर जीआरपी पहुंची। जीआरपी पुलिस ने बताया, हमें रेलवे कॉलोनी द्वारा आग की सूचना प्राप्त हुई कि एक आउट हाउस के अंदर से धुआं निकल रहा है, जिस पर से तत्काल चौकी का बल मौके पर पहुंचा। रेलवे आउट हाउस पर वहां देखा तो उसमें से धुआं निकल रहा था, बाहर से ताला लगा था, ताला तोड़ा गया पड़ोसियों की मदद से। उसके अंदर देखा तो अंदर जयप्रकाश निकोलस दारू के नशे में अंदर पड़ा हुआ था, जिसे सकुशल बाहर निकाला और पानी की होदी से पानी भर के अंदर की आग बुझाई। रजाई गद्दे जले हुए थे, उसमें अधकचरे जल चुके हैं रजाई गद्दे, और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। और रेलवे द्वारा आउट हाउसों को जर्जर हालत में घोषित कर दिया है, उनको नोटिस भी दे दिए खाली कराने को, जिसको ये लोग खाली कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इन क्वार्टरों को खाली करवा देंगे। बाइक टकराने पर होने वाले विवादों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे विवादों में मारपीट और हमले के मामले भी सामने आने लगे हैं। गुरुवार देर शाम बाजना बस स्टैंड से लक्कड़पीठा के बीच पूर्व पार्षद संदीप यादव की बाइक किसी दूसरे वाहन से टकरा गई, जिस पर विवाद हो गया। शराब की दुकान पर विवाद होने से भीड़ लगने लगी। इसी दौरान भाजपा नेता दिनेश राठौर गुजरे तो वे विवाद देखकर रुके और समझाइश देने लगे। श्री राठौर समझाइश दे रहे थे, तभी एक युवक ने मारपीट शुरू कर दी। दिनेश राठौर पर किसी नकली वस्तु से हमला कर दिया। हमले में घायल राठौर तत्काल माणकचौक पुलिस थाने पहुंचे। सूचना मिलने पर थाने पर भाजपा नेता भी पहुंच गए, जहां हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही सीएसपी हेमंत चौहान भी थाने पहुंच गए। पुलिस संदिग्ध एक आरोपी को थाने लाई, जहां पूछताछ भी की गई। मामले में पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है। हमले की जानकारी देते हुए दिनेश राठौर ने बताया, बाजना बस स्टैंड की तरफ मेरे मित्र के साथ में जा रहा था, दलाली किया, मैंने भीड़ देखी तो कोई विवाद चल रहा था, कोई गाड़ी ठुकने का विवाद चल रहा था, और गाड़ी शायद इस दलाली के कुछ लोगों ने ठोकी थी। जो लड़का है विजय, उसी ने ठोकी थी, अभी मुझे नाम मालूम पड़ा है, पुलिस उसको लेके आई है। और वो विवाद चल रहा था अंदर, और वो विवाद कर रहे थे, इतने में मैंने देखा कि यार ये अपने पूर्व पार्षद संदीप जी यादव की गाड़ी ठुकी है। तो सामान्य रूप से मैंने भी देखा, मैंने कहा विवाद क्या था, इन्होंने इतने देर में इन्हें कलाली वालों ने सबको धक्का देके अंदर लिया, दरवाजा लगाया और मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरा किसी भी विवाद से कोई लेना देना नहीं था, इनको मैंने बोला भी सही कि यार ये क्या कर रहे हो ये लोग। तो इन्होंने दरवाजा लगाया, वो लड़का अंदर से हथियार लाया और मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। और कुछ दादा हथियार थे, भेसवाल भी थे, होली हथियार थे, लगभग चार से पाँच लोग, लगभग चार लोग थे। पिस्टल देखने की बात आपने कही है, पिस्टल भी आपको दिखी है? पिस्टल भी थी सर वहाँ पे, तलवार भी थी, बेसबॉल भी था, बेसबॉल तो पुलिस हमारे सामने ही लगी है। ठीक,